जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि अशरफ और उसके गुर्गों की सप्ताह में एक बड़ी मीटिंग जेल के अंदर जरूर होती थी, जिसमें पुराने मुकदमे में लाभ लेने, गवाहों को धमकाकर खामोश रखने, विरोध की स्थिति में उनकी हत्या करने, पुलिस व जेल अधिकारियों को प्रलोभन देने, नहीं मानने पर उनकी और अभियोजन अधिकारियों की हत्या का प्लान तक बनाया जाता था। आपको बता दें कि पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ बरेली जेल में ही बंद है, जो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। इस हत्याकांड की साजिश बरेली जेल में ही रची गई थी। इस मामले में एसटीएफ के इनपुट पर बरेली पुलिस ने अवैध तरीके से अशरफ से शूटरों की मुलाकात कराने वाले जेल के सिपाही शिवहरि अवस्थी और जेल में सब्जी मुहैया कराने वाले टेम्पो चालक दयाराम उर्फ नन्हे को जेल भेज दिया है। अशरफ है, ये प्रशासनिक आधार पे 11 जुलाई 2020 को बरेली जेल ट्रांसफर हुआ था। उसके बाद से जैसा कि अभी तक जांच और विवेचना पता चला है कि इसका साला सद्दाम है, वो भी आया और उसने थाना बरादरी में फाइक इनक्लेव में एक किराए पे मकान लिया था और मकान में जो एग्रीमेंट कराया गया था वो मुस्ताक के नाम पे था और रह रहा था सद्दाम और उसका एक नौकर था अफसर, वो दोनों उसमें रहते थे और वहाँ पे इलाहाबाद के भी लोग मिलने काफ़ी आया करते थे। और जहाँ तक अभी तक की जो विवेचना हुई है और जो जांच करी गई है उससे पता चल रहा है कि सद्दाम अपने साथियों के साथ जब भी जेल जाता था तो ये पहले ही से जेल आरक्षी है शिवहरि अवस्थी उसको फ़ोन कर देता था और वो जेल के बाहर आ जाता था, इनसे आईडी लेता था और एक या दो आईडी लेता था और लगभग 6 या 7 लोग जाके मिलते थे और जैसे सामान्य लोगों को 40 मिनट मिलने का टाइम होता है, ये लोग 2 घंटे 2.5 घंटे जाके मिलते थे और मिलते भी थे। जो मिलाई स्थान है उसके बगल में एक गोदाम है, वहाँ पे जाके ये लोग मिलते थे, बात करते थे आपस में। और एक और चीज़ जो प्रकाश में आई है कि एक दयाराम है जो जेल को सब्जियां सप्लाई करता है, ये भी सद्दाम के संपर्क में था और उसको जो भी चीज़ की जरूरत होती थी अंदर अशरफ को, ये सद्दाम और उसके आदमी उसको दे देते थे, ये जाके जेल के अंदर उसको पहुंचा देता था। और कुछ तथ्य जैसे सामने आए कि नवरात्रि या रोजे में बहुत ज़्यादा सामान मतलब जाता था और वहाँ पे जेल में अंदर बाकी लोगों को भी खिलाया जाता था। तो ये सब जो जेल के अंदर अनियमितताएँ थी वो प्रकाश में आई और इसके आधार पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है जिसमें अशरफ सद्दाम और उसके साथी और जो ये जेल का सिपाही है जेल आरक्षी शिवहरि अवस्थी और दयाराम, इनके खिलाफ किया गया है। और आज शिवहरि अवस्थी और दयाराम को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और इसमें एक जांच के लिए एक एसआईटी की गठन किया गया है जो एसपी सिटी के नेतृत्व में काम करेगी। इसमें सीओ सिटी थर्ड आशीष प्रताप सिंह रहेंगे और 4 इंस्पेक्टर और रहेंगे ताकि हम मामले की पूरी गहराई तक जांच कर सकें। सर, इसके अलावा जो सद्दाम है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी क्या टीमें लगाई गई है? हाँ, सद्दाम की भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक जो पता चला है कि 26 दिसंबर के बाद सद्दाम की लोकेशन बरेली के बाहर आ रही है, वो बरेली में नहीं पाया गया है और जैसा जेल के सिपाही से बात करेंगे उसका भी कहना है कि पिछले 2 महीने सद्दाम मिलने नहीं आया है। तो हम लोग सद्दाम और उसके जो भी साथी थे या जेल में उससे जो अभी लिस्ट जेल द्वारा प्रदान की गई है उसमें पिछले 2.5 साल में लगभग 45 लोग अशरफ से मिलने आए थे, तो उसमें देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ के लोग हैं, उनका सबका बैकग्राउंड देखा जाएगा और इसमें इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया है कि एक एक तथ्यों की बारीकी से जांच करके इसमें आगे कार्रवाई करेगी। बड़े अधिकारी भी सम्मिलित हैं क्या अभी तक? कुछ भी वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, उसके बावजूद मुलाई होती थी और नहीं, इसमें भी ये सब पूरे जांच का विषय है। आरएचसी से बातचीत की गई है, कुछ तथ्य हमारे प्रकाश में भी आए हैं और सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी जेल से ली जा रही है और बाकी जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे आगे कार्रवाई की जाएगी। पैसे उसे दिए जाते थे कि इस लालच में ये सारा काम कराता था? हाँ, ये सिपाही का कहना है कि वो कुछ पैसे उस समय जब भी मिलाई होती थी या ये होता था या सामान जाता था तो कुछ उसके द्वारा पैसे इसको और नन्हे दयाराम है उसको दिए जाते थे। सर, एक चीज और सामने आई कि व्हाट्सएप कॉलिंग कराई जाती थी, वीडियो कॉलिंग कराई जाती थी, जैसे उन लोगों की बात कराई जाती थी अशरफ की, ये अभी तो हम लोग ये तो अभी जांच का विषय है, अभी इतना डिटेल में नहीं पता चला है। अभी जो सारे तथ्य अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं और एफआईआर तो
रात में हुई है और पूरी तथ्य सामने आए हैं, तो इसमें पूरे तथ्यों की बारीकी से जांच की जाएगी। सर जो नन्हे हैं इसकी क्या भूमिका थी, किस तरीके की सुविधाएं प्रोवाइड कराता था ये? नन्हे था ये जेल में सप्लाई करता है सब्जी या फल फलों की, तो ये जैसा इसके द्वारा अभी बातचीत करी गई उसमें बताया गया है कि जो भी सामान जेल में बिस्किट या कोई भी सामान चाहिए होता था, फ्रूट्स दूध या जिस चीज़ की जरूरत होती थी, उसको आके सद्दाम इसको बाहरी दे देता था। ये चूंकि गाड़ी इसकी अंदर तक जाती थी तो उसके माध्यम से वो जेल में वहाँ पहुँचा देता था।